जलेबियां तो आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन क्या कुल्हड़ जलेबी के बारे में सुना है? अयोध्या में हम ठहरे हुए थे तो किसी ने हमें बताया कि यहाँ पर कुल्हड़ जलेबी बहुत फेमस है। जो पॉइंट पर कुल्हड़ जलेबी मिलती है वो ये दुकान है। आप भीड़ देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दुकान में कितनी अच्छी जलेबियां होंगी। इसका नाम है मौर्य मिष्ठान भंडार। चलिए यहाँ पर इसके ओनर से बात करते हैं, कैसे कुल्हड़ जलेबी बनाई जाती है ये सब कुछ आपको बताते हैं। चलिए मेरे साथ इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? दीप नारायण मौर्य। कुल्हड़ जलेबी की कहानी क्या है, कब से क्या है, क्या है? समोसा, तीन समोसा। ये सर चौथा पुश चल रहा है हम लोगों का। अच्छा, हमारे दादाजी करते थे, हमारे पिताजी करते थे, हम लोग कर रहे, हमारे बच्चे कर रहे हैं। अच्छा, तो कैसे आइडिया आया कुल्हड़ जलेबी का, कैसे क्या आया? जैसे कहावत है, आवश्यकता ही औकात की जननी है। एक बार हुआ कि रात में जो है खत्म हो गया था, अंदर होता तो एक ग्राहक आए, बोले यार हमको जलेबी खाना। हमने कहा यार खत्म हो गया, कहे वो टूटा वाला ही डाल दो। तो हमने कहा कैसे खाओगे, कह रहे थे मिला दो, तो मिला दिया। उसका दो चलन में आ गया। बना रहे सर, ठीक है, हाँ बताइए। ये दही जलेबी बना रहे हैं आप? और ये दही में जलेबी डाल दिया सर, उसके बाद जो है ये दही का मलाई आ गया, ये हो गया सर। अच्छा, ये दही की मलाई है जी सर। तो ये है कुल्हड़ जलेबी जैसे कि आप देख पा रहे हैं। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। बिल्कुल यूनिक है। भैया क्या नाम है आपका? अवधेश। अवधेश, अवधेश रामा सर। अवधेश, कितने सुबह जलेबियां बनने लगती हैं? सुबह 6 बजे से। 6 बजे से शुरू हो जाती है जी। कितना किलो, कितना कुंटल बन जाती है दिन में? कोई क्वांटिटी नहीं है सर। कोई क्वांटिटी नहीं है दिन भर। वो कब तक दुकान खुली रहती है? रात में 9 बजे तक। रात में 9 बजे तक। इस दुकान में मास्टर शेफ से लेकर कई बड़ी जगहों पर इन्हें सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल से लेकर अयोध्या जिला प्रशासन ने भी इस पूरी शॉप को सम्मानित किया है और यहाँ का टेस्ट सबसे अच्छा है। एक बार अयोध्या आए तो यहाँ की कुल्हड़ जलेबी जरूर खाएं। देखते रहे दैनिक भास्कर। आप